यस अनिल जी, आज आईटी स्टॉक्स में धूम मची हुई है और वही समय स्टॉक लाया हूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर। और ये स्टॉक देखिए, पहले 10,000 करोड़ के मार्केट कैप से आज 6,700-800 करोड़ पे अवेलेबल है, मतलब 1030 का हाइज बनाने के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। क्योंकि थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से प्रेशर था, बट मुझे जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखी मार्च 2022 वाले में, टॉप लाइन गजब का बढ़ा रही है कंपनी। और कंपनी के देखिए, आईटी कंपनीज तो सारी है, बहुत सारी हम सब लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले सिमी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, टेक्निकली भी उन्होंने अप्रूव कर दिया RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और वो सब मुझे भी दिख रहा था। क्योंकि परसों से ही हम लोग आईटी स्टॉक्स पे फ्राइडे से थर्सडे से थोड़ा वो हो रहे हैं, फिर नैसडैक ने भी गजब का माहौल बनाया। सो ओवरऑल हम देखें तो ये बिजनेस, कुछ प्रोडक्ट्स इनके बहुत अलग है जो कि अभी बहुत चले हुए हैं। प्लेटफॉर्मेशन सर्विसेज बिजनेस बोलते हैं आजकल कोई भी चीज को, तो हर चीज के प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ये अलग ही तरीके से चलते हैं। इनके इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स है कुछ, रेजोपिया, क्लिक एंड ब्रिक वाला, ब्रिक एंड क्लिक बोल के, हेलोसिस, कार्टोपिया, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म, जैसे कि हम लोग जब भी एयरलाइन ट्रैवल की बात करते हैं तो हमने एक्सेलिया का भी नाम लिया पहले, वैसे इस कंपनी का भी 25% रेवेन्यूज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर रिलेटेड है। कुछ इन्होंने रिसेंटली टेकओवर्स किया ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी, तो एग्रीटेक की तरफ भी जा रहे हैं। सो ओवरऑल फैंटास्टिक कंपनी है और राजन रहेजा ग्रुप प्रमोटेड है। और अब फंडामेंटल्स पे अगर मैं आता हूं तो 18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक्स अब काम कर रहे हैं, 44 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 37% का रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड गजब का डोल आउट करती है, करीब 64-65% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन है, 3.25% के लगभग। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या 20% से ग्रो की है। सेल्स की ग्रोथ जैसा कि इस बार भी गजब का टॉप लाइन था इस क्वार्टर में भी और इस साल में भी, तो 23% की सेल्स की क्या रही है। सो ओवरऑल कंपनी देखिए, ओवरऑल 5,500 करोड़ का टॉप लाइन था मार्च 2022 में, और जो हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट था 375 करोड़, यानी कि 6,000 करोड़ की कंपनी, आईटी कंपनी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स के साथ, बेहतरीन रिटर्न रेशियोज के साथ एक कंपनी काम कर रही है। अब उसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो राजन रहेजा ग्रुप का तो नाम ले लिया, उनकी 28-29% शेयर होल्डिंग है। FIIs, DIIs का पूरा भरोसा है कंपनी के ऊपर, 14% FIIs होल्ड करते हैं, DIIs 15% के लगभग। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो मिस्टर हेमेंद्र कोठारी जी की भी 9% के लगभग शेयर होल्डिंग है। सो इस तरीके की शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो वो भी बहुत इंप्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए, 1030 जैसा कि मैंने कहा ऊपर के लेवल्स दिखाया हुआ, वहां से अच्छा खासा लेवल से मिल रहे हैं 700 के लगभग, तो 850 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले 6 महीने। ओके, तो 850 अग्रेसिव टारगेट जैन साहब की तरफ से आ रहे हैं, इस काउंटर के लिए खरीदारी करके चले। फिलहाल 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस पर रखनी है नजर।